हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए ये लाई हूँ साड़ी में लेस लगाना। तो ये सिंपल सी साड़ी है, इस ऑर्गेंजा कपड़ा है। तो सिंपल सा मैंने ये थान से कटवा लिया है 5.5 मीटर के पूरे साड़ी का लेंथ का। फिर ये मैंने पतली वाली लेस ले ली, ये जिग जैग पतली वाली लेस है। तो इस तरह से मैं लगाऊंगी तो ऐसे नहीं अच्छा लगेगा। तो ये मैं ब्लाउज का कपड़ा भी ली हूँ, तो 2 मीटर का मैंने ब्लाउज का कपड़ा लिया। इसमें ब्लाउज भी बनाएंगे और लेस की पट्टियाँ भी बनाएंगे। तो ये 2 इंच पे 2 इंच चौड़ी पट्टी हमें कट कर लेनी है। पूरी हमें 2 इंच की पट्टियाँ इस तरह से बनानी है, पूरी 9 मीटर की, क्योंकि 9 मीटर में हमें पूरी लेस लगती है साड़ी में। तो इस तरह से मैं पट्टियाँ बनाकर रेडी करूँगी। तो पहले हम कट कर लेते हैं, तो यहाँ से हम चलते हैं कट कर लेते हैं। इसके बाद ये पूरी पतली पट्टी हमारी हो गई है, तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो इसके सिलाई देखिए, यहाँ पर पूरी हमारी 9 मीटर की, मैंने ये पूरा 9 मीटर का रेडी कर लिया है। तो इसके आगे हम पूरा 9 मीटर का देख लेते हैं है कि नहीं। तो 9 लगभग मेरा 9 मीटर है, क्योंकि मैंने बहुत सारी पट्टियाँ काटी थी, तो हो गया है मेरा 9 मीटर। तो आगे चलते हैं, हम कैसे हमको सिलना है वो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से दोनों तरफ हमें इस तरह से फोल्ड करना है, फिर इस पर एक सिलाई लगानी है। तो पूरे में इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। अंदर के साइड हमें कपड़े को फोल्ड करते जाना है, फिर सिलाई इस तरह से हमारी पट्टियाँ रेडी हो जाएगी। फिर इसके बाद हम देखते क्या करते हैं। तो पहले तो हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई करने के बाद देखिए, हमारे इसी तरह से पट्टी तैयार हो, फिर मैंने ये रेडी कर लिया। फिर इसमें मैं साड़ी ले ली हूँ। साड़ी के बाद देखिए, ये पट्टियाँ मेरी इस फोल्ड करते हुए सिली पूरी रेडी हो चुकी है। तब यहाँ पर देखिए, जो साड़ी में हमें लेस लगाना है, कैसे लगाना है। तो यहाँ जो हमारा पल्लू होता है, पल्लू हमें 2 मीटर यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 मीटर हो गया, फिर 0.5 मीटर यहाँ से और लेना है। तो हमारा यहाँ पर जो पल्लू होता है, पल्लू से लेस लगती है, तो यहाँ पे हमें 2 मीटर लेना, फिर 10 सेमी एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ पे मैं चाक से निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैं लेस लगाती हूँ। तो लेस लगाने के लिए ये जो मेरा पतली पट्टी है, और फिर मैं यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगी। तो पहले तो मैं ये पतली जो लेस ली हूँ उसको भी लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से रख लेना है, और पतली लेस जो पतली वाली जिग जैग वाली लेस है, तो इस पर रख कर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ देखिए, सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आएगा। तो पूरे में हमें पूरे जितने में हमारा कपड़े से बना था पतली पट्टी, उस तरह से पूरे में यहाँ पे हमें रेडी कर, इसी तरह से पूरे लेस में हमें ये वाली पतली वाली लेस लगा लेना है। तो ये हमारा लेस लगकर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हमारा आया है। तो देख सकते हैं आप लोग कैसा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद हम साड़ी में लगाते हैं। साड़ी में जो मैंने यहाँ पर एक मार्क का निशान लगाया था, तो इस तरह से हमें रखना है, हमें उल्टे साइड रखना है। उल्टे साइड रखने के बाद हमें फिर पलट लेना है। तो मैंने उल्टे साइड का साड़ी हमारी सीधी साइड है, और वो जो मैं लेस लगा रही हूँ वो पलट कर पीछे के साइड लगा रही हूँ। तो सीधा आएगा तो हमारा इस तरह से आएगा, तो मैं इसीलिए मैंने पीछे के साइड से लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा जिग जैग वाला लेस है, तो इसलिए मैंने उल्टा के रखी हूँ। तो सीधा करूँगी तो हमारा अच्छे से वो लेस बनकर रेडी होगा, मतलब लगेगा अच्छा। तो पूरे साड़ी में हम चलते हैं, इसी तरह से लगा लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं तो हमारा लुक इस तरह से आएगा साड़ी का। तो देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग लगाइए साड़ी में, बहुत ही प्यारी लगेगी। सिंपल सा पतला सा बॉर्डर भी रहेगा, इसी कलर का आप ब्लाउज बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी साड़ी लगेगी। सबसे हटकर मार्केट में नहीं आती इस तरह की साड़ियाँ। तो ये मैं थान से कटवा लाई हूँ मार्केट से साड़ी। तो यहाँ पर कोना है, कोना पे इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है, थोड़ा सा कोना निकाल कर, बाकी सीधा ही सिलाई करनी है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमारा आएगा। तो हम यहाँ पर कोना निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से सिलने के बाद हमें कैसे पूरे साड़ी में बिल्कुल जिस तरह से मैं लगा रही हूँ सीधे एकदम सीधा लगाना है। तो आप लोग भी इसी तरह से लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा कोना है, इसी तरह से कोना रेडी होगा। तो इस तरह से मेरा 2 कोना रेडी हो चुका है, क्योंकि साड़ी का पल्लू हमारा ये है कोना। फिर इसके बाद हमें बिल्कुल सीधा लगाना है पूरे हमारे लेंथ में, जितने 9 मीटर का मैंने लेस बनाया है, तो पूरे में पूरी में साड़ी में हमारा आ चुका है, कहीं भी छूटा नहीं। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से हमें पलट लेना है। पलटने के बाद एक सिलाई हमें इस पर भी लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं चलती हूँ, सिलाई लगाती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर
पलटने के बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो हमारा पूरी साड़ी रेडी हो जाएगी। बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही है। अगर आप सिंपल साड़ी पहनना चाहते हैं तो इस तरह से स्थान से लाइए। और गंजा कपड़ा इसमें वर्क भी है, छोटी छोटी बूटियाँ भी वर्क हैं। और गंजा की साड़ी इस समय बहुत ही चल रही है मार्केट में, तो महंगी पड़ जाती है, लेकिन इस तरह से आप ला के डिज़ाइनर साड़ी बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी। और ब्लाउज इस तरह से जिस बना लेंगे डिज़ाइनर ब्लाउज भी तो बहुत ही प्यारे लगे, तो आप लोग की साड़ी हट कर लगेगी। मार्केट में इस तरह से साड़ियाँ नहीं आती है, जो हाथ से बनी साड़ी होती है उसका कुछ लुक अलग ही होता है। तो यहाँ पर देखिए हम पूरे साड़ी में लेस लगा लेते हैं, उसके बाद फाइनल लुक दिखाएंगे आपको किस तरह से मेरी साड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। पहले तो मैं पूरे में सिलाई लगा लेती हूँ। आई होप आप सब मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप सबको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आपको हम फाइनली लुक दिखाते हैं साड़ी का, तब तक आप बने रहिए पूरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स मेरी साड़ी बनकर रेडी हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी साड़ी लग रही है पूरी लेस लगने के बाद। अब इसी तरह से मैं ब्लाउज बनाकर रेडी करूँगी, तो ब्लाउज का डिज़ाइन मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी किस तरह से बना रही हूँ। तो तब तक फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल लुक है, ब्लाउज का डिज़ाइन है, ये आस्तीन की डिज़ाइन है। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस